दुमका की करेंगे, जहां पर झारखंड के दुमका जिले में 12वीं की छात्रा के इलाज के दौरान मौत होने के बाद अब लोगों में गुस्सा है। छात्रा को बीते मंगलवार को शाहरुख नाम के लड़के ने बात न करने पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया था। घटना में गंभीर रूप से जली छात्रा की रिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। छात्रा की मौत के बाद लोगों का गुस्सा अब उठ पड़ा है। हादसा ये हुआ कि मेरा बेटी का 10 दिन पहले नंबर वो कहीं जुगाड़ किया, बेटी को 10 दिन से तंग कर रहा था, वो अपना सहेली से या दोस्त से नंबर लिया था, वो उसका तंग कर रहा था। मेरी वाइफ है नहीं, बेटी बड़ी बेटी है, हमसे जिक्र कभी किया नहीं, तो हमको तंग करता है, यह करता है, वो करता है, जो भी हो। 22 आठ को उसने 8 बजे रात में धमकी दिया। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, 10 बजे घर आया तो बेटी बोली पापा से हमको धमकी दिया। तो मैं ठीक है बेटा, उससे सुबह जाकर बात करता हूँ, अब नहीं जानता ये घटना हो जाएगी। तो दुमका में आप देखिए किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है और लोग सड़कों पर निकलकर छात्रा के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। छात्रा की मौत के बाद लोगों को गुस्सा है, लोगों ने कई जगहों पर जुलूस भी निकाला। दुमका में छात्रा की मौत पर हंगामा किया गया है और किस तरीके से लोगों ने प्रदर्शन भी किया है। गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन करते हुए मौजूदा सरकार से न्याय की गुहार लगाई। अंकिता की मौत के बाद दुमका में काफी आक्रोश देखा जा रहा है और हिंदू सामाजिक संगठन यहां पर रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अंकिता की मौत। सरकार से हम गुहार लगा रहे हैं कि उनको 1 सप्ताह का हम समय दे रहे हैं, फांसी पे चढ़ा दिया या पब्लिक या हम लोग के हवाले कर दे, हम लोग खुद से न्याय कर लेंगे। ये घटना बहुत ही शर्मनाक घटना है। एक हिंदू परिवार की बेटी, वो घर में सो रही थी, एक शाहरुख नाम का लड़का घर में घुस के पिछले मंगलवार को घर में घुस के पेट्रोल डालकर माचिस मार दिया था, जिसको बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया था। आज उसकी मृत्यु हो गई इलाज के दौरान। इस प्रकार का घटना समाज में एक अंश फैला रहा है, एक विरोध का भावना ला रहा है। दोषी जो शाहरुख है उसको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट का फांसी देना चाहिए, जल्द से फांसी दे, ऐसा आदमी को समाज से भी बहिष्कार कर देना चाहिए, क्योंकि दुमका में दंगा भड़काने का वो लोग प्रयास कर रहा है। इस प्रकार का माहौल हम लोग हिंदू संगठन जितना है हम लोग बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। सिरफिरे लड़के का शिकार बनी 12वीं की छात्रा की मौत के बाद अब दुमका में हर तरफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसमें जिले के कई सामाजिक और हिंदूवादी संगठन भी शामिल हो गए हैं। लोगों के भड़के गुस्से के बीच हिंदूवादी संगठनों ने दुमका बंद का ऐलान किया है। तो हिंदूवादी संगठन की ओर से अब दुमका बंद का ऐलान कर दिया गया है। किस तरीके से एक लड़के की शिकार होती है और वो लड़का किस तरीके से बात न मानने पर छात्रा को आग के हवाले कर देता है। इलाज के दौरान छात्रा की जान चली गई, जिसके बाद लोगों में गुस्सा है। न केवल सामाजिक संगठन बल्कि हिंदू संगठन भी प्रदर्शन कर रहे हैं और दुमका बंद का ऐलान किया। छात्रा की मौत के बाद अब झारखंड में सियासत भी तेज हो गई है। झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने ट्वीट कर मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट कर क्या लिखा वो भी आपको दिखाते हैं। ट्वीट करते हुए रघुवर दास ने लिखा, इसे तुष्टीकरण नहीं कहें तो क्या कहें, एक और हेमंत सरकार उपद्रवी नदीम को एयर एम्बुलेंस से भेजकर सरकारी खर्च पर इलाज करवा रही है। दूसरी ओर झारखंड की बेटी अंकिता को उसी के हाल पर छोड़ दिया गया, क्योंकि जिहादी मानसिकता वाला शाहरुख ने उसे जलाया था। जनता ये दोहरी मानसिकता देख रही है। हालांकि छात्रा की मौत पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विवश हत्या हुई है, सरकार गंभीर है और जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, उसको स्पीडी ट्रायल करके हमने आज भी 2 बार डीसी से बात किया, डीसी साहब को कहा है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेंगे। बेहद तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। दुमका में छात्रा की मौत का लगातार विरोध किया जा रहा है, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियाती तौर पर जिले में धारा 144 लागू कर दी है। ऐसे में किसी भी तरीके के जमावड़े पर रोक है, साथ ही साथ प्रदर्शन पर भी रोक लगाई गई है। दुमका में छात्रा की मौत के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दिया। लगातार सामाजिक संगठन हिंदूवादी संगठन की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, मौजूदा सरकार पर निशाना भी साधा जा रहा है।
अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पड़ोसी राज्यों में छोड़े गए पानी से नदी नाले उफान पर हैं। गंगा यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये 5 तस्वीरें देख रहे हैं। गाजीपुर में गंगा उफान पर है, तो मिर्जापुर में भी गंगा से बाढ़ आई है और कैसे लोग परेशान है। प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से हर तरफ तबाही मची है। सिद्धार्थनगर के थाना क्षेत्र उसका बाजार में कुंडा नदी में और किस तरीके से पशु चराने गया युवक का पैर फिसल जाता है, जिससे वो नदी का तेज बहाव में बह गया। कानपुर देहात में भी हालात बाढ़ जैसे बने हुए हैं। तो ये 5 तस्वीरें आपके सामने, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, बाढ़ का पानी कैसे रिहायशी इलाकों में पहुंच रहा है। गंगा नदी उफान पर है, यमुना नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मिर्जापुर, प्रयागराज, सिद्धार्थनगर की ये तस्वीरें आपके सामने। वहीं कानपुर देहात में भी गंगा नदी परेशान कर रही है। वहीं केरल के कन्नूर में तेज बारिश के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आई है। चंद घंटों की बारिश ने जंगल को सैलाब में तब्दील कर दिया है। पानी के तेज बहाव में दो युवक बह गए। मूसलाधार बारिश के बाद जमीन खिसकने से जंगल में सैलाब का ये वीडियो केरल के कन्नूर का है, जहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि जंगल में सैकड़ों पेड़ उखड़ गए, सड़कों पर कई फीट पानी भर गया और दूर दूर तक सिर्फ पानी ही दिखा। आसमानी आफत के बीच सैलाब में जंगल के आसपास के घरों में पानी भर गया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू टीम पहुंची और दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। फिलहाल हालात को देखते हुए प्रशासन इलाके में कैंप लगाने की योजना बना रहा है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगह जाने की अपील की। वही मध्य प्रदेश के भी कई इलाके ऐसे हैं जहां बारिश ने तबाही मचाई है, जिसकी वजह से कई घटनाएं हो रही है। हैरान करने वाला वीडियो छिंदवाड़ा नागपुर हाईवे का है। बारिश के बाद एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर 5 सेकंड में 3 बार पलटी और सीधे झाड़ियों में जा पहुंची। वीडियो में कार सड़क पर भरे बारिश के पानी से गुजरने के दौरान बेकाबू हो गई। इसके बाद सड़क से उतरकर किनारे की झाड़ियों में जाकर 3 से 4 बार पलटी, जिसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। हालांकि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग बारिश में सावधानी से वाहन चलाने की अपील भी कर रहे हैं। सड़क से उतरकर जहां जाकर कार पलटी है, वहां एक गाय भी बंधी हुई है। कार को अपने करीब आते देख गाय पीछे हट गई, वरना वो भी इस हादसे की जद में आ सकती थी। उधर यूपी के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे 84 घाट ऐसे हो गए हैं जहां पर पानी पहुंच चुका है। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुंच गया है। गंगा के सभी 84 घाट और सीढ़ियां पानी में समा गए हैं। नमो घाट पर पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। घाट पर चेतावनी के पोस्टर चस्पा दिए गए हैं। काशी की गलियों में भी पानी पहुंच गया है, जिस वजह से लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ा। शहर की गलियों में नाव चलाई जा रही है। स्थिति कितनी भयावह है, इसका अंदाजा नमो घाट की इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। गंगा के किनारे नमो घाट के सेल्फी पॉइंट पर 10 से 15 फीट पानी भर गया है। वही राजस्थान के राजसमंद में पानी से खेलना एक युवक को भारी पड़ गया। नहाते वक्त पानी के तेज बहाव में युवक का पैर फिसल गया, जिसके बाद युवक सैलाब में बह गया। सूचना पर प्रशासन और रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू का काम शुरू किया। इस काम के लिए कुछ लोकल गोताखोरों को भी लगाया गया, लेकिन बनास नदी का बहाव इतना तेज था कि पानी के बहाव में रेस्क्यू टीम खुद को रोक नहीं पा रही थी, जिसके बाद एक रस्सी के सहारे मानव श्रृंखला बनाकर युवक को खोजने का काम किया गया। दरअसल युवक अपने कुछ दोस्तों के साथ बनास नदी में नहाने गया था, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उसका पैर फिसल गया और वो सैलाब में बह गया। ये घटना जारी रेल मगरा उपखंड के जीतवास पुलिया की है।